हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल पार्टनरशिप शुरू किया था और उस क्लास में हम लोगों ने दो तीन अच्छे अच्छे वर्ड्स के बारे में सीखा था। एक था आपका पार्टनरशिप डीड। मैंने कहा था पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें कि हर एक पार्टनर्स का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा, उनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होना वो किस तरीके से होगा, वो सारी बातें मेंशन होती है। मैंने ये भी बताया था पार्टनरशिप डीड को बनाने का जो मेन मोटिव होता है वो ये कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कभी किसी तरीके का डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो। बच्चे, पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सबसे बड़ा डर जो होता है कि कहीं पार्टनर्स में डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि सभी अलग अलग फैमिली अलग अलग घर से आते हैं, सबका अलग अलग दिमाग है। तो स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए कि एक हमारे बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए जिसको हमने पार्टनरशिप डीड का नाम दिया था। और हाँ, हमने ये भी बताया था कि जब पार्टनरशिप होते हैं जहां पे दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं तो प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने आपको ये बात को का कसम भी दिलाया था, आप याद कीजिए, पिछली क्लास में ब्लू अक्षरों में लिखा था कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग शो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स एंड, मैंने ब्लैंक छोड़ा था, आप ब्लैंक समझ गए होंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या था ना पिछली क्लास में क्वेश्चन, जो हमने, अगर मान लो प्रॉफिट या कुछ पैसा हम पार्टनर्स को नहीं देना चाहते हैं, फर्म अपने पास रखना चाहती है फ्यूचर में किसी अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए, तो दैट अमाउंट वी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये काम आपका होता है। मेरे बच्चे, क्लास को आज आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और अगर आज की क्लास में आपका कमांड हो गया ना, आज की क्लास में, तो आप बिलीव करो कि अब आपसे ज्यादा कोई स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। ज्यादा टाइम बर्बाद किए बगैर मैं कुछ लिख रहा हूं, आप मेरे साथ लिखें। और आपको रजिस्टर में कौन से पेज पे क्या लिखना है उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना है। आपने काम करना, आपके रजिस्टर के ये दो पेज आप एक साथ लेंगे, दो पेज, यानी कि आपका ये मेरा बुक है, मैं आपके पेज की बात कर रहा हूं, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज। अगर आपके पास पिछली क्लास में आपने ये पेज फिल हो चुका है और ये ब्लैंक छूटा हुआ है, आप इसको छोड़ दो। मुझे अभी क्या करना है कि ये दो ब्लैंक पेज एक साथ चाहिए, तो आप इस ब्लैंक पेज पे लिखना शुरू करेंगे। लिखिए जरा मेरे साथ, मैं आपके कॉन्सेप्ट को आज स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं। और जो दो आपके पास ब्लैंक पेज है मेरे बच्चे, उसमें से आप लिखें जरा पहले वाले ब्लैंक पेज पे, आप लिखना मेरे साथ यहां पे इन डेप्थ, ऊपर लिख रहे हैं आप हेडिंग इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, बहुत इन डेप्थ। और हाँ, ब्रैकेट में लिख देना ओनली फॉर मी, सिर्फ आपके लिए, कसम से झूठ नहीं बोलता मैं, ये सिर्फ आपके लिए, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट जो सिखाने की बात उठती है वो सिर्फ आपके जैसे बच्चे ही समझते हैं, बाकी नहीं मेरे बच्चे, बाकी तो ऐरे गहरे बच्चे होते हैं, आप बहुत ही स्पेशल है, सच्ची बता रहा हूं। जिस बच्चे ने 12th क्लास में पार्टनरशिप को अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, जितनी बातें सिखा रहा हूं उन्होंने सीख लिया, वो आगे किसी भी लेवल में, चाहे सीए सीएमए सीएस बीकॉम, किसी भी लेवल का वो पार्टनरशिप आएगा वो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। बेस फंडामेंटल यहीं से क्लियर होता है और वो क्लियर करने वाले बहुत कम होते हैं। जब मैं सीए वाले बच्चों को पढ़ाता हूं और वो बच्चे जिन्होंने पहले कभी आपका मुझसे नहीं पढ़ा हुआ है, तो मुझे बड़ा डर लगता है मेरे बच्चे, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे तरीके से इस चैप्टर को सीखा हुआ है। आपके साथ नौबत नहीं आएगा, आओ ना, मैं शुरू करता हूं इन डेप्थ कॉन्सेप्ट ओनली फॉर मी। आप इस पेज पे, आप आधे पेज पे बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आधे पेज पे आप बनाइए यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आधे पेज पे आपने क्या क्या बनाया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये आपके रजिस्टर का हाफ पेज है जहां पे हमने क्या क्या जी बनाया आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और बाकी के हाफ पेज पे आप बनाए मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाकी के आधे पेज पे बनाएंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका, ये बाकी का आपका आधा पेज हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, एक तरफ बनाया प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एक तरफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये क्यों बना रहे हैं बताऊंगा मेरे बच्चे, आप पहले इसको बना के छोड़ दो। अब आप क्या करना, आपके रजिस्टर के जो ये दो पेज थे, इस पेज पे आपने दोनों का फॉर्मेट बना लिया, अब ये पेज आपका ब्लैंक छूटा हुआ है, सेकेंड पेज, यहां कुछ ना लिखो, कुछ ना, और इसको लिखे बगैर आप क्या करो, इसको ब्लैंक छोड़ के
आप अगले पेज पे आओ और यहाँ लिखना शुरू करो। सर वहां क्यों छोड़ दो, कहां ना छोड़ दो, मेरी बात पे मानो तो थोड़ा सा, कुछ बातें करूंगा, बताऊंगा क्यों छोड़ा। आप अगले पेज पे यहाँ पे अब लिखना शुरू कीजिए और आप लिखेंगे मेरे साथ अगले पेज पे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट नंबर वन, लिखिए मेरे साथ इम्पोर्टेंट नोट नंबर वन, पहला नोट आपका नंबर वन क्या जी, मैं इसके बारे में कुछ लिखा रहा हूं, लिखना इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट कहते हैं कि वी शो ऑल एक्सपेंसेस या शो की जगह पर डेबिट कर दो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, वी डेबिट मतलब डेबिट में दिखाते ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस। मेरे बच्चे इस बिजनेस, इस फर्म से जुड़े हुए जितने भी आपके एक्सपेंसेज हैं, जितने भी एक्सपेंसेज हैं वो हम प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं, है ना बच्चे। तो जितने भी एक्सपेंसेज आपके हैं वो सब कहां जाते हैं, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। ये हमने कहां पढ़ा था, 11th क्लास में, ये हमने ऑलरेडी इन 11th क्लास आपने स्टडी किया हुआ है, हम थोड़ा सा उसका डिस्कशन यहां पे करेंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट आएगी। अब लिखो जरा नोट नंबर टू कहते हैं कि इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं इनकी बात कर रहा हूं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं कि वी डेबिट, हम यहां पे डेबिट करते हैं क्या जी, कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज एंड कैपिटल। ध्यान से, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कॉमा है, वी डेबिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, क्यों कहता कि फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज एंड कैपिटल। मेरे प्यारे बच्चों आप एक काम करना, यहां पे देयर सर्विसेज एंड कैपिटल को कर लो आप अंडरलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम लोग यहां पे बहुत सारी बातें करेंगे, एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए बहुत सारे गेम खेल सकता है एग्जाम में, वो गेम क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, उन सबका डिस्कशन मैं आपके साथ यहाँ पे कर रहा हूं, आपको मजा आएगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रॉफिट लॉस में हम एक्सपेंसेज को डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेज का मतलब क्या जी, जो बिजनेस का एक्सपेंस है जिसका हम बेनिफिट ले चुके हैं। और मेरे बच्चे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं। एक चीज बताना मैं भूल गया, मैं आपको बता दूं, अगर आपका अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, 11th क्लास अगर आपने ठीक से स्टडी नहीं किया है, तो मेरे बच्चे आपको चिंता नहीं करना, आप एक काम करना, आप हमारे ऑफिस में फोन करना और उनको बोलना कि 11th क्लास हमने ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है, सर ने कहा है कि आपको कॉल करके जर्नल एंट्री लेजर अकाउंट ट्रायल बैलेंस, बस इतना और कुछ नहीं, इसकी क्लासेज आप हमें दे दीजिए, वो आपको क्लास दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये काम आपको करना, अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात कि आप 12th क्लास को शुरू करने के पहले एक YouTube पे मेरा लेक्चर है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, बाय संतोष कुमार के नाम से, आप उस वीडियो को देखें, वहां पे मैंने 11th क्लास में जो अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं बड़े शॉर्ट में आपके लिए डिफाइन करके दिया हुआ है, आप उसको स्टडी कर जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट खराब है तो। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, तो आओ ना, हमने क्या बोला, इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेज रिलेटेड टू बिजनेस, और इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी डेबिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज एंड कैपिटल, उन्होंने जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, वो जो अपनी सर्विसेज बिजनेस को दे रहे हैं मेरे बच्चे, उसके लिए जो पैसा उनको पे किया जाएगा वो यहां पे जाएगा। लिख लिया आपने सर, हाँ। अब एक काम करो, इस पेज को छोड़ दो। अब जो आपने सेकेंड पेज यहां पे ब्लैंक छोड़ा है ना, आप वहां पे आइए और मेरे साथ लिखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन
लिखिए मेरे साथ, वो जो आपने बीच में इसके बाद जो जगह छोड़ा था वहां पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, पिछली क्लास में दो कॉन्सेप्ट हमने किया था, आज हम एग्जाम्पल नंबर थ्री कर रहे हैं, आज हम एग्जाम्पल नंबर थ्री। मैं आपको कुछ एक्सपेंसेस के कुछ आइटम्स के नाम दूंगा और उन नाम को आपको सोच समझ के मुझे बताना है कि वो नाम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा या फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मैं लिख रहा हूं स्टेट, आपको बताना है स्टेट वेदर, डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर, वेदर फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे बच्चे, मैं कुछ नाम बता रहा हूं, आप मुझे बताना कि आपके मुताबिक वो नाम जो मैं बोलने वाला हूं वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा या फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। याद करो बचपन की कहानी, जब आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे, 11th क्लास की बात कर रहा हूं, वहां पे आपके प्यारे सर ने बताया था कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस बिजनेस के हैं उसकी रिकॉर्डिंग यहां पे होगी। और याद करो वो 12th क्लास की पिछली क्लास जिसमें मैंने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम प्रॉफिट को, जो हमने प्रॉफिट कमाया फ्रॉम आपका जीपी से, आपका जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, ये नेट प्रॉफिट जो निकल के आपका आता है, इस नेट प्रॉफिट को हम यहां लेकर आते हैं बाय नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डेट। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आएगा प्रॉफिट का पार्टनर्स में। और यहाँ पे मैं अब आपको से कुछ नाम देता हूं, आप मुझे बताना, लिखो ना यहाँ पे नंबर ए, थर्ड का नंबर ए। मैं कहता हूं जरा बताओ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मुझे ये बताओ ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अगर हमें रिकॉर्ड करना है एग्जाम में आ गया कि बताओ ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा या फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मेरे बच्चे, एक एक जो 1.5-2 साल का बच्चा है ना, मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूं, वो अभी 2 साल का है, अगर मैं उससे भी पूछूं कि जरा बताओ इलेक्ट्रिसिटी कहां जाएगा, तो वो आंख बंद करके बता सकता है कि सिर्फ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। एक्सपेंस है मेरे बच्चे, यहां तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अगर पार्टनर्स के जो हमने सर्विसेज लिया, पार्टनर से जो हमने उनका काम लिया, या पार्टनर से जो हमने कैपिटल लिया, उसके बदले में जो पे करना होगा वही प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जो आपका चार्जेज है वो कहां रिकॉर्ड करेंगे, यहां, लिखो ना मेरे साथ, ये इलेक्ट्रिसिटी यहां चला जाएगा। कोई बड़ी बात बता रहा हूं? नहीं सर, कोई बहुत टफ बातें कर रहा हूं? सर आगे बढ़ो, फालतू में टाइम बात कर रहा हूं, ये हम जानते हैं सर। बी नंबर लिखो आप यहां पे, बी। अगर मैं कहता हूं एडवर्टीजमेंट, आपने एडवर्टीजमेंट किया है, बताओ ये खर्च कहां जाएगा? अनडाउटली ये भी जाएगा आपका यहां पे एडवर्टीजमेंट। ये सारे एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, तो बिजनेस के जितने सारे खर्चे होते हैं वो कहां जाएगा जी, आपका यहां जाएगा। सी लिखो ना यहां पे, सी, ध्यान से। अब मैं धीरे धीरे आपको परेशान करने वाले पॉइंट्स को लेकर आने वाला हूं। सी पॉइंट लिखिए आप यहां पे, कहता है कि रेंट, या फिर मैं कह दूं यहां पे सिंपली, मान लो कहता है सैलरी ऑफ मैनेजर, एक पॉइंट मैंने ये डाला, और एक पॉइंट में डालता हूं यहां पे जी सैलरी ऑफ पार्टनर। मतलब दो बातें आ गई, एक जो हमारा मैनेजर है, मैनेजर कौन होता है? इंप्लॉय होते हैं, ये हमारे इंप्लॉय हैं, इंप्लॉय। और पार्टनर कौन होता है? ये हमारे ओनर है, फर्म के ओनर, मालिक। तो मेरे बच्चे, इंप्लॉय को जो हम पे कर रहे हैं, जो हमें सैलरी पे करना है इंप्लॉय को, वो कहां जाएगा? अनडाउटली प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एक्सपेंस है हमारा। तो सैलरी जो आपने लिखा यहां पे, सैलरी ऑफ मैनेजर, आपके जो मैनेजर है, आपका जो सुपरवाइजर है, इन सब की सैलरी कहां जाती है यहां पे, लेकिन पार्टनर की सैलरी कहां जाएगी? शांत हो जाओ, शांत, बिलीव करो, इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, एक आप और एक मैं। आप जब आज घर से बाहर निकलोगे ना, आप जब रोड पे जाओगे, सन्नाटा छाया रहेगा, सन्नाटा, कोई भी नहीं दिखाई देगा मेरे बच्चे। इसलिए क्योंकि अब आपका दिमाग किसी को भी आपके पास मानने के लिए तैयार नहीं है,
कोई भी आपके इर्द गिर्द नहीं घूम सकता, इतनी उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर आज की क्लास खत्म करके आप बाहर निकलोगे तो आप कह देना अपने मम्मी पापा के लिए, हीरे हैं हम हीरे, आप हमें संभाल के अलमारी में रखो, अतुल्य क्या उसको बोलते, मैं भूल गया, अमूल्य अमूल्य है हम, मतलब इतनी सारी शक्ति आपके अंदर आ रही है। तो सुनो जरा, कहता है कि सैलरी ऑफ मैनेजर नो डाउट यहां जाएगा, सैलरी ऑफ पार्टनर कहां जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, पार्टनर्स के जो आपने सर्विसेज को यूज किया, वो सर्विस किसी भी रूप में हो सकता है। अगर पार्टनर्स के आपने सर्विसेज को लिया है और उन सर्विसेज को यूज करने के बदले में कुछ भी आपने पार्टनर्स को दिया, दैट विल बी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि जो हमने सैलरी पार्टनर को दिया तो वो यहां चला जाएगा। लिखो ना सैलरी ऑफ आपका पार्टनर। हमने कल भी देखा था कि पार्टनर को हम सैलरी पे करें, एप्रोप्रिएशन में आ रहा है। उसी तरीके से मैं कहता हूं, ई पॉइंट लिखे आप यहां पे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक। ध्यान से, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक पे किया। एफ लिखो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का मतलब पार्टनर से जो हमने पैसा लिया उस पे इंटरेस्ट पे किया। ई एफ और जी एक और लिखिए, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन टू पार्टनर्स। मेरे प्यारे बच्चों, सावधान हो जाओ, सुनो मेरी बात को, देखो मैं क्या आपको समझा रहा हूं, आपको बातें बहुत मस्त तरीके समझ में आने वाली है। बिना किसी डाउट के बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, इंटरेस्ट पे किया, एक्सपेंस है, यहां लिखूंगा इंटरेस्ट, आप यहां लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक। हमने बैंक को, बैंक से जो लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, यहां पे जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक मिनट, एक मिनट, हमने ओनर से जो कैपिटल लिया है, ओनर से जो एज कैपिटल पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कराया है मेरे बच्चे, इस कैपिटल पे अगर मैं कोई इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, दैट विल बी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो मैंने कहा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको अगर समझ में ना आए तो बस ये याद रखना कि जो सर ने आपका पॉइंट नंबर टू में क्या लिखाया है कि बस दो चीज, सर्विसेज जो आप यूज कर रहे हो, ओनर का, ओनर का, मालिक का, और उनका कैपिटल जो यूज कर रहे हो बिजनेस में, इसके बदले में जो भी कुछ पे किया जाएगा वो सब कहां जाएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओनर के सर्विसेज को जो आपने यूज किया, ओनर के कैपिटल को जो यूज किया, इसके बदले में जो भी पे किया जाएगा वो जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बस और कुछ नहीं मेरे बच्चे। तो हमने आपका लोन का पैसा, यहां आप बात उठी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, ये क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, थोड़ा सा समझा रहा हूं। कभी कभी पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स जो पैसा देते हैं वो लोन के रूप में देते हैं, कैपिटल के रूप में नहीं। एक मैं हूं, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान देना इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। एक एक मान लो ए है और दूसरा बी, इसको लिखना नहीं है, बस मेरी बातें सुननी, मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपके दिमाग में थोड़ी सी कुछ बैठाना चाहता हूं जिसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में आगे दूंगा मैं आपको। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि देखो जी, एज कैपिटल हम लोग बिजनेस में 10 लाख और 10 लाख रुपीज का हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एज कैपिटल दोनों ने। तो बात बन गई कि ठीक है जी, 10 लाख रुपए आप लेकर आओ, 10 लाख रुपए मैं लेकर आता हूं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गया बच्चे, काम चल गया। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि बिजनेस को और पैसे की रिक्वायरमेंट आई, और पैसे को, और मान लो अब वो पैसा जब ये दोनों मार्केट में गए किसी से लेने के लिए, कोई भी देने को तैयार नहीं हो, बोले ना 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 हम आपको पैसा नहीं देंगे, तो काम कैसे बढ़ेगा? तो हमने देखा कि यार ए जो पार्टनर है ना, इसके घर में 4 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 4 लाख पड़ा हुआ है इसके घर में। तो हमने कहा कि भैया आप घर से 4 लाख रुपए लेके आ जाओ। ए ने कहा कि भैया अगर ये 4 लाख लेकर आऊंगा तो मैं एज कैपिटल पैसा लेकर नहीं आऊंगा, एज कैपिटल तो मेरा 10 लाख रहेगा, ये 4 लाख जो है मैं एज कैपिटल नहीं लाऊंगा, हाँ मैं ये पैसा फर्म को देने को तैयार हूं लेकिन एज लोन दूंगा, लोन दूंगा आपका, एज लोन दूंगा। सर ऐसा क्यों होता है? रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है मेरे बच्चे,
थोड़े थोड़े आगे बढ़ो, समझ में आएगा। अभी सारी बातें समझा दूंगा तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए अभी आप इतना समझो कि अगर मान लो ए अपने घर से 4 लाख बिजनेस में दोबारा पैसा डालता है, बट नॉट एज कैपिटल, एज लोन, भैया मैं लोन दे रहा हूं आपको, और हाँ इस लोन पे ना मैं आपसे क्या करूंगा जी, 10% इंटरेस्ट भी लूंगा। ऑब्वियस बात है, कैपिटल पे इंटरेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लोन पे मान लो इन्होंने कहा कि भैया लोन के रूप में जो दूंगा 10% इंटरेस्ट लूंगा, एग्रीमेंट हो सकता है, क्यों क्या आगे की बात, बस इतना समझो कि पार्टनर जो है ही मे कॉन्ट्रीब्यूट लोन, वो आपका ही मे कॉन्ट्रीब्यूट अमाउंट एज लोन टू द बिजनेस, वो लोन के रूप में पैसा दे सकता है। मान लो 4 लाख का लोन उसने दिया हुआ है, अब जो 4 लाख रुपए का लोन दिया मेरे बच्चे, वो आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, तभी तो आया इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। मैं समझना चाहता हूं, मैं अपनी सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करके मैं सोचना चाहता हूं कि पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया गया वो इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। मैं सोचना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं, मैं क्या करूं। मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर भी आप रुक जाओ, जहां पर भी समझने की शक्ति खत्म हो जाए, एक बार इस लाइन को पढ़ लेना, सारी बातें समझ में आ जाएगी। कहते हैं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या डेबिट करते हैं जी, जो ओनर ने, मालिक ने अपने सर्विसेज को दिया। मैं फर्म के लिए काम कर रहा हूं, मैं सैलरी डिमांड कर सकता हूं, मैं फर्म के लिए काम कर रहा हूं, मैं कमीशन डिमांड कर सकता हूं, मैं फर्म के लिए काम कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट डिमांड कर सकता हूं, मैंने फर्म में एज कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, मैं इंटरेस्ट डिमांड कर सकता हूं ऑन कैपिटल। क्या लोन पे मिलने वाला इंटरेस्ट भी मैंने कहीं लिखा है क्या? क्या लोन पे जो फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, क्या मेरे मतलब ओनर का कोई सर्विस यूज किया जा रहा है? ओनर का कोई सर्विस यूज किया जा रहा है? ओनर का एफर्ट यूज किया जा रहा है? ओनर की क्या कोई मेहनत यूज की जा रही है? नहीं सर, ओनर का मेहनत यहां पर नहीं है, वो तो पैसा लगा हुआ है। ठीक है, क्या वो कैपिटल पे कुछ दिया जा रहा है? नहीं सर, कैपिटल पे भी नहीं, वो तो लोन पे दिया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, वो किसी भी हालात में उसके सर्विसेज, उनका जो एफर्ट है, सर्विस का मतलब क्या हो गया, एफर्ट ऑफ बॉडी एंड माइंड। जो माइंड किसका जी, ऑफ ओनर का जो आपका बॉडी है, उस बॉडी को यूज करके मेहनत तोड़ना फोड़ना, या फिर उसके माइंड को यूज करके जो सर्विसेज लिया जा रहा है उसके बदले में जो पे करूंगा वही यहां पे लिखा जाएगा। और कैपिटल का मतलब क्या, एज ओनर जो पैसा इन्वेस्ट किया, यहां पे पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो किसी भी हालात में उनका सर्विस या कैपिटल से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसको यहां रिकॉर्ड करूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? मैं नहीं चाहता कि दूसरे बच्चों के जैसा आप भी रटो, आपको समझना है लोन है, अगर कैपिटल होगा तब तो यहां जाएगा, लोन पे क्या, तो यहां कोई भी लोन हो, किसी का भी लोन हो आपका, ठीक है। ईएफजी एच पॉइंट पे आप आइए, एच पॉइंट अगला पॉइंट आपका, अगला पॉइंट मैं लिख रहा हूं कमीशन। अगर कहता है कमीशन टू मैनेजर, पहला मैनेजर क्या होता है जी, इंप्लॉय होता है, इंप्लॉय, और फिर कहता है आई में अगला कमीशन, अगला पॉइंट है कमीशन टू किसको जी, मैनेजर नहीं, इस बार कहता है आपका पार्टनर, किसी एक पार्टनर को हम लोगों ने क्या किया, कमीशन दिया, पार्टनर मतलब ओनर आपका। मेरे बच्चे, ओनर को जो मैं कमीशन पे कर रहा हूं, उसका माइंड उसके बॉडी के एफर्ट को यूज करने के बदले में, वो कुछ काम कर रहा होगा फर्म के लिए, सेल्स को बढ़ाने पे कुछ ऐसा, हमने उसको कमीशन पे किया, तो ओनर को जो पे करे अनडाउटली वो यहां पे जाएगा, मैनेजर हमारा इंप्लॉय होता है, इंप्लॉय को जो पे किया वो यहां चला गया, कमीशन टू आपका मैनेजर यहां लिखिए, और आप यहां लिखेंगे कमीशन टू पार्टनर। पार्टनर को अगर हमने कमीशन पे किया है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसको आप यहां लिख देंगे, ठीक है ना। अगला सवाल ध्यान सुनना, अगर अगले सवाल का जवाब आपका सही हो गया, अगर मेरे अगले सवाल का जवाब आपका सही हो गया, तो एक बार आप मुझे फोन कर देना और कहना कि हाँ सर, मैंने बिल्कुल सही सोचा था। मेरे बच्चे, जिस समय आपका मैसेज मेरे पास आएगा
या जिस समय आपके बारे में मैंने सुना कि हाँ आपने सही जवाब सोचा था, उसी टाइम पे मैं आपके घर में आऊंगा और खूब सारे चॉकलेट आपके मुंह पे फेंक के मैं चला जाऊंगा। जितने खाने होंगे, जब तक खाने होंगे खा लेना, मैं रोकने वाला नहीं। अगला पॉइंट बहुत चैलेंजिंग है, देखता हूं दिमाग कितना काम आपका करता है। GHIJ पॉइंट, अगला पॉइंट कहता है कि रेंट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब जो मकान मालिक है, हमने उसको रेंट पे किया। और अगला पॉइंट लिखता है रेंट 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 टू ओनर ओनर। ओहो, दो बातें मैंने बोली, एक हमने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया है और एक आपका ओनर को। मतलब देखो क्या होगा, फर्म को जो काम करने के लिए जो ऑफिस जो खोलना है, उस ऑफिस के लिए जो बिल्डिंग चाहिए, यहां पे हमने क्या किया, किसी बाहर वाले से लिया। कोई थे रामू गंगा या मोहन गंगा या सोहन गंगा, कुछ भी, मैंने कहा कि आप हमें अपना बिल्डिंग दीजिए, हम आपको रेंट पे करेंगे, तो हमारा लैंडलॉर्ड है, हम उसको रेंट पे करते हैं। और यहां पे क्या हुआ कि हमने रामू गंगा या सामू किसी को भी बाहर वाले के बजाय, जो ओनर था ना मिस्टर ए, उसने ही कहा कि भैया मेरे पास दो पार्टनर थे ना ए और बी, इसमें ए ने कहा कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैं इस बिल्डिंग को ही दे देता हूं कहां, फर्म में, इसी को हम फर्म यूज कर लेते हैं, लेकिन बिल्डिंग मैं फर्म के नाम नहीं कर रहा, बिल्डिंग का मालिक मैं हूं और इस बिल्डिंग पे हर एक साल मैं क्या लूंगा, रेंट लूंगा फर्म से। समझो मेरी बात, यहां पे जो ओनर ने बिल्डिंग कॉन्ट्रीब्यूट किया है उस बिल्डिंग पे वो कहता है कि मैं रेंट लूंगा, यानी कि रेंट किसका हो गया, ओनर के लिए। तो मेरा सवाल है कि रेंट टू लैंडलॉर्ड, ये सवाल नहीं मेरे बच्चे, ये तो ऑब्वियस बात है कि लैंडलॉर्ड को जो हम रेंट पे कर रहे हैं वो तो यहां जाएगा, रेंट रेंट है आपका, रेंट टू लैंडलॉर्ड लिख दो या सिंपली आपका रेंट भी कहे तो ऑब्वियस बात है यहीं पे जाएगा। मेरा सवाल है रेंट टू ओनर कहां जाएगा, ये जो ओनर को हम रेंट पे कर रहे हैं यहां कहां जाएगा, ये हमें सोचना होगा, समझना होगा और सारी शक्तियों को इकट्ठा करो, सारी शक्तियां जितने मंत्र पढ़ सकते हो कर लो, क्योंकि आपको पता है कि अगर इस सवाल का जवाब आपका सही होने वाला है तो आप एक बार मुझे मैसेज करेंगे, खूब सारे चॉकलेट मैं आपके पास ले जाके फेंक के आ जाऊंगा आपके घर के अंदर में, ऐसा सच होगा और ये पक्का होगा। लेकिन मुझे जवाब तो दो कि रेंट टू ओनर कहां जाएगा, ओनर को रेंट पे किया, ओनर को, ओनर को। मेरे प्यारे बच्चे, मैं फंस चुका हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे दिमाग इधर उधर जा रहे, तो पता मैं क्या करूंगा, मैं इस लाइन को पढ़ूंगा। रेंट जो हमने पे किया लैंडलॉर्ड को, माफ कीजिए ओनर को, कहता है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसमें वी डेबिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, देयर सर्विसेज। क्या लैंडलॉर्ड ने अपनी बॉडी को, ध्यान से, लैंडलॉर्ड ने अपनी बॉडी को और अपने माइंड को यूज करने के बदले में रेंट लिया है? बोलो बोलो, क्या ये जो रेंट हमारे पास आया है, ये जो रेंट हमारे पास आया है, क्या ओनर का जो माइंड या बॉडी यूज किया गया उसके लिए? नहीं सर, ना ना ना, ना। सर ओनर का जो माइंड है उसके लिए थोड़े कोई रेंट पे करता है, उसके लिए हम फीस पे करते हैं, हम कमीशन पे करते हैं, हम सैलरी पे करते हैं। क्या उनकी बॉडी से जो मेहनत हुआ, क्या ऐसा कुछ हुआ? ना ना ना, बिल्डिंग को लिया, बिल्डिंग में काम चल रहा है, तो इसमें ओनर का मेहनत कहां, सर्विसेज तो नहीं है, ओनर का सर्विस नहीं है। क्या वो ओनर का कैपिटल है? ना ना ना, कैपिटल कहां हुआ? क्या इस बिल्डिंग को ओनर ने फर्म के नाम पे कर दिया? ऐसा तो नहीं हुआ, मालिक कौन है जी, अभी भी वही है ओनर, फर्म थोड़े ही है। तो मेरे बच्चे, अगर ए अपनी बिल्डिंग फर्म को देता है यूज करने के लिए और फर्म उस पे रेंट पे करती ओनर को, वो कैपिटल के ऊपर दिया हुआ अमाउंट नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल उसका है ही नहीं, ये तो आपका बिल्डिंग था, आपने दिया और उस बिल्डिंग पे आप रेंट ले रहे हो। तो हमें क्या दिखाई दिया कि रेंट जो आप ओनर को पे कर रहे हो, रेंट जो आप ओनर को पे कर रहे हो, ना तो ये उनके सर्विसेज के लिए है और नहीं कैपिटल के लिए। तो ऐसे खर्चों को भी हम यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे, रेंट टू ओनर, आपका रेंट टू ओनर, रेंट टू ओनर यहां रिकॉर्ड किया जाएगा ईमानदारी से। अगर आप सच्चे हो, अगर सच्ची में आप सच बोल रहे हो, तो एक बार हाथ उठाओ ना, मैं देखूं जरा कि क्या सचमुच में आपने बात सोचा था या फिर बस आपने उल्टी सीधी बातें सोची थी। एक बार हाथ उठाओ ना, उठाओ ना,
उठाओ ना एक बार कम से कम हाथ उठाओ ना। सर कैसे देखोगे? सब दिखता है मुझे, सब दिखता है। आप अगर ये सोच रहे हो कि सर कहीं और बैठे हुए हैं, मैं कहीं और बैठा हुआ, मुझे नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, सब दिखता हूं मेरे बच्चे, सब मुझे पता चलता है। यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह पे हूं, ब्रह्मा हूं मैं, ब्रह्मा। आज से 500-600 साल वर्षों की बात पहले बात करूं तो मैं ब्रह्मा जी का अवतार हुआ करता था। इस जन्म में मैं मनुष्य का जन्म लेकर आया हूं, लेकिन मुझे सब दिखता है, सच्चाई है। आपके आपके माइंड के नस में कहां पे कौन सा वाइब्रेशन हो रहा है वो भी मेरे दिमाग में आ जाता है। इसलिए ऐसा ना करना, आप बस मुझे बता देना सचोगे तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, रेंट टू ओनर भी आपका यहीं पे आएगा। वो इसलिए क्योंकि जो रेंट पे कर रहे हैं ना, तो आपके बॉडी या माइंड को यूज करने के बदले में, ना आपका कैपिटल, ये तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके बदले में पे किया जा रहा है। ठीक है, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? रेगुलर क्लासेस, रिविजन लेक्चर्स और जितने भी मेरे टेस्ट हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडिया का एक एक बच्चा जो कॉमर्स के अंदर में है, जो कॉमर्स को सिलेक्ट किया है या जो चूज करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ संतोष सर के अकाउंट्स को पढ़े। सच बोल रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, यही मेरा सपना है। और इस सपने को मेरे बच्चे, मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए 11th क्लास 12th क्लास में, इवन एट जीरो कॉस्ट, आप जानते हैं कि मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा, ये जीरो कॉस्ट में अगर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है, तो इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने साथ साथ मुझे अपने बच्चों यानी कि आप पे शिफ्ट करनी पड़ेगी, और आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन सबके पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि संतोष सर की क्लासेज बिल्कुल फ्री है, आप उनको पढ़ें और पढ़ के एग्जाम को प्रॉपर तरीके से दें। किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को, एक एक प्रैक्टिकल को मैंने कवर किया, आप इस बात को जानते हैं। आगे का बेड़ा आपको उठाना पड़ेगा, इस इंडिया में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बताना होगा कि आप संतोष सर के चैनल पे आए और 11th 12th क्लास की एक एक क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ठीक है, और अब तो कुछ ऐसी बातें बची नहीं मेरे बच्चे, ऐसा ही छोटा छोटा पॉइंट होता है, आप लिख लो। यहाँ पे हम लोग क्या लिखा करते थे बचपन में? ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो हम यहाँ लिखा करते थे ग्रॉस लॉस। तो यहाँ भी बहुत सारी बातें आएंगी, अभी तो बस कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, और यही नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे आता जिसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला लिखिए आप यहाँ पे जनरल रिजर्व। रिजर्व में पैसा ट्रांसफर हो रहा, वो कहां जाएगा? तो नो डाउट कि इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी डेबिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज एंड कैपिटल एंड दूसरा क्या था जी? ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर रिजर्व में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वो भी कहां जाएगा? एप्रोप्रिएशन से, यानी कि जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना भी मेरे बच्चे यहीं से आएगा। सर और भी कोई रिजर्व? बहुत सारे नाम होते हैं, हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे। फिलहाल आपका रिजर्व में ट्रांसफर करना, और फिर जो बच गया आपका, वो तो आपका काम पूरा, ये आपने काम किया। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? सर हाँ ठीक है। आप इसको मिटाइए। अब मुझे कुछ आपको बातें, कुछ अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है। मुझे आज आपको इतना स्ट्रांग कर देना, इतना स्ट्रांग कि आप जानते हैं कि जब आप रोड पे निकलोगे तो सन्नाटा और सिर्फ सन्नाटा। मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने इसकी कॉपी कर ली होगी। ये लीजिए, पता मैं सिर्फ पहले बड़े बच्चों को पढ़ाता था, CA इंटर, CA फाइनल, CMA इंटर, CMA फाइनल, CS एग्जीक्यूटिव, CS फाइनल, उनके बच्चों को। मैं आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को कभी नहीं पढ़ाता था, पहले की बात कर रहा हूं। फिर मैं एक बार सोया और सोचा कि अगर इन बच्चों पे स्टार्टिंग से मेहनत की जाए, 11वीं 12वीं क्लास से, और इनके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, तो आगे चल के मार्केट में जो एक रूमर फैला हुआ है, अपवाद,
सी में सीस बहुत टफ होते हैं, वो सब रूमर्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, मैं सच्चाई बताऊं, कॉमर्स में आने के बाद बच्चा सोचता है यार कॉमर्स है, रट लेंगे काम हो जाएगा, कौन इतना इंटरेस्ट लेगा, कौन पढ़ने की कोशिश करेगा, रटो मजा आ जाएगा। और जिस दिन आपके दिमाग में रटने वाली बात आ गई, सारे सपने आगे के चकनाचूर हो जाते हैं। आप वो काम नहीं करना, आप समझो ना, एक एक बात, एक एक हीरा इसमें समझने वाला है, और जब समझेंगे तभी तो मैं हीरा बनेंगे, तभी तो मम्मी पापा को आप बताओगे कि हाँ जी मैं हीरा हूं, मुझे संभाल के रखो आप। तो आप ना बस, आप देखो यहाँ पे आज की क्लास में मैं आप कुछ आगे लिखिए मेरे साथ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। अभी मैं कॉन्सेप्ट को ही स्ट्रॉन्ग करा रहा हूं, बुक को तो अभी देखा भी नहीं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन आप लिखिए यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कर रहा हूं आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर क्या जी, कितने हो गए, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आपका फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कई सारे बच्चे मुझे आप में से फोन करते हैं कि सर मैं क्या करूं, आपका मतलब कोई और भी बुक को रेफर करना क्या? कुछ रेफर नहीं करना, ये बुक जो है ना मेरे बच्चे, जो आपके पास आती है मेरी, ये मोर देन एनफ है। जितनी चीजें एग्जामिनर सोच सकता है या जो सोचेगा वो सब इसमें कवर्ड है। आप इस बुक को फिनिश करो मस्त तरीके से, 100 में 100 मार्क्स आएंगे, 100 में 100 सच बता रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन पे आप आइए, फोर्थ लिखिए मेरे साथ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहां पे क्या बता रहा है, मैं यहां पे एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, एक राम और एक श्याम, दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स, इनके जो कैपिटल है, कैपिटल वो मान लो इनका 8 लाख का अमाउंट है, और इनका कैपिटल कहता है कि 5 लाख रुपीज का अमाउंट है। इनका कैपिटल हो गया, फिर कहता है कि इनके पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट है इन पार्टनर्स के बीच में, उसमें नंबर वन क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है ना, ये 10% के हिसाब से इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। नंबर टू लिखिए आप यहां पे, कहता है कि सैलरी भी दिया जाएगा, सैलरी टू राम, ये रुपीज कहता है 40,000 का अमाउंट होगा। तीसरा लिखो आप यहां पे, तीसरा लिखेंगे आप यहां पे, कहता है क्वेश्चन में कि आपका कमीशन, या फिर छोड़ दो आप, लिखो यहां पे तीसरा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर, बिफोर मैनेजर्स कमीशन, लीजिए। अब आपको वो शब्दों में परेशान करेगा, फंसाएगा, मैं वहां से आपको निकलने का तरीका सिखा रहा हूं। प्रॉफिट कह रहा बिफोर मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कोई आपका है, इंप्लॉय कोई है, और उसके कमीशन को माइनस किए बगैर, अभी उसमें कमीशन माइनस नहीं किया गया है, और प्रॉफिट कहता है कि आपका 5 लाख रुपीज का अमाउंट है, 5 लाख रुपीज। अगला पॉइंट में आपको बता रहा है कि भैया जो मैनेजर्स कमीशन है, मैनेजर्स कमीशन जो है, वो मैनेजर्स कमीशन कहता है आपका यहां पे, मैं ले लूं मान लो 25,000 का अमाउंट है, 25,000। और फिर पांचवें में कहता है कि प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स जो होगा, पार्टनर्स वो आपका कहता है मान लो 1:1, 1:1 का मतलब क्या होगा, इक्वल, कोई भी रेशियो होगा। मैं काम करता हूं, रेशियो चेंज करता हूं, इसे कर दो 4:1, कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बहुत सारी बातें सीखेंगे। ये क्वेश्चन कहता है कि प्रिपेयर, प्रिपेयर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कहता है बताओ जरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसके लिए जल्दी से सॉल्यूशन में आना चाहता हूं, और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आप बातें समझ चुके हैं। आप बनाइए मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आओ ना शुरू करते हैं। आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रहा हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मैंने यहां पे रेडी किया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे आप मुझे बताओ कि हमें यहां पे क्या लिखना होता है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट।
लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट आता है मेरे बच्चों? यहाँ पे उन प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड करते हैं जिन प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप जानते हैं इस बात को, जिस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो यहाँ पे नाम आएगा। आप एक काम करना, रजिस्टर का आधा पेज और फिर उसके नीचे में लिखिए वर्किंग नोट्स नंबर वन। पता है क्या, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन। ध्यान से, मैनेजर जो हमारा इंप्लॉय है उसको जो हमें कमीशन देना है, उस कमीशन को बिना माइनस किए बगैर वो कहता है कितने रुपए का अमाउंट है, 5 लाख। ये प्रॉफिट आपका 5 लाख का है, 5 लाख का, 5 लाख का क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है, इस प्रॉफिट में कहता है कि दिस इज बिफोर मैनेजर्स कमीशन। बिफोर का मतलब इस 5 लाख में मैनेजर को जो हम कमीशन देते हैं 25, वो अभी माइनस नहीं हुआ है। मेरे बच्चों आप जानते हैं कि मैनेजर्स कमीशन कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। यानी कि अगर मैं देखूं तो 5 लाख का जो अमाउंट है इसमें से 25,000 जो मैनेजर का कमीशन है ये माइनस करके जो अमाउंट आएगा 475 वो यहां पर रिकॉर्ड होता है। तो इस बात को हम एग्जामिनर को समझाएंगे बहुत प्रेम पूर्वक कि देखो जी, आपने जो 5 लाख का प्रॉफिट दिया है इसमें मैनेजर्स कमीशन 25,000 मिला हुआ है, हम पहले उस 25 को माइनस करेंगे। क्या जी? मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन का जो अमाउंट है हम उसको यहां से माइनस करेंगे और फिर माइनस करके जो अमाउंट आएगा 4,75,000, यानी कि ये क्या कहा जाएगा जी, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर मैनेजर्स कमीशन। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है और अगर उनको आपने माइनस नहीं किया है तो उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, यहां रिकॉर्ड करेंगे 475। समझ लो ना, आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से दो, लेकिन हम तो अकाउंटिंग जानते हैं, हम तो आर्टिस्ट हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, पढ़ा था ना 11th क्लास में, अकाउंटिंग एक कला है, उस कला में अच्छे तरीके से हम कलाकारी दिखाएंगे। तो 475 की एंट्री यहां हो गई। अब जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है, एज पर दैट एग्रीमेंट विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे बताओ किसको मिलेगा, राम को, श्याम को। अच्छा मुझे बताओ, राम को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कहां पे ऐड हो जाएगा, राम के कैपिटल में। तो हमने कहा राम कैपिटल अकाउंट, कल समझाया था ना। श्याम का जो अमाउंट होगा वो कहां ऐड हो जाएगा, श्याम कैपिटल अकाउंट में। और भी बहुत सारी बातें आएंगी आगे समझाऊंगा। मुझे बताओ 8 लाख का 10% कितना हो गया, 80,000, और 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000। टोटल कितना हो गया, 1,30,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच वी हैव गिवन टू राम एंड श्याम। ठीक है, उसके बाद कहता है सैलरी टू राम। आओ ना, लिखो यहां पे टू सैलरी, टू सैलरी, और यहां पे राम। राम के कहां पे ऐड हो जाएगा जी, कैपिटल में। हम इसकी जनरल एंट्री भी आपको सिखाएंगे, बहुत सारी बातें सिखाएंगे, आप बस अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। आपने कसम खाया है अभी, कोई इफ और नहीं। हाँ, मैनेजर कमीशन तो यहां पे नहीं आएगा जी, वो ऑलरेडी माइनस कर दिया हमने, वो तो प्रॉफिट लॉस में चला गया होगा। अब जो प्रॉफिट बच गया वो 4:1 में, तो 2 आप बोलेंगे बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर्ड टू क्या जी, कहते हैं कि राम, राम और दूसरा, एक तो राम कैपिटल में और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, श्याम कैपिटल। तो राम और श्याम के कैपिटल में हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। बजरा बताओ कितना प्रॉफिट बच गया आपको यहाँ पे, तो 4,75,000 में आपने कितना जी, 1,70,000 का अमाउंट आपने यहां से माइनस किया। मेरे बच्चे आ गया 3,05,000, और इस 3,05,000 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4:1 के रेशियो में। तो 4:1 में क्या हो जाएगा, 3,05,000 है ना जो बच गया, उसको टोटल कितने हो गए जी, 5, 4+1, 5 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, 5 टुकड़े में, और इसमें से 4 टुकड़ा 4 शेयर एक इसको मिल जाएगा, राम को। और ये 3,05,000 में से मेरे को हमने 5 पे डिवाइड करना है, और श्याम को कितना पार्ट मिलेगा, 1 पार्ट। तो 3,05,000 डिवाइडेड बाई 5 × आपका 4, ये आ गया 2,44,000। लो मैं काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ
मैं लिख देता हूँ 244, ऐसे कोई जरूरी नहीं था, आप इसको अंदर भी लिख सकते हो। ये जो मैं इसको लिख रहा हूँ इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए आपको लिखा। ये बाहर लिखो और बाहर टोटल उसको कर देते, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझो मेरी बात यहाँ पे। एंड 61,000, या तो 244 यहाँ लिखिए, 61 यहाँ लिखिए और 3,05,000 यहाँ लिख दो, या उसको जगह पे डायरेक्टली बाहर भी दिखा दो, फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हमारा काम है, दैट हैज बीन डन। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आप प्लीज कॉपी कर लो। सर इसमें नया क्या सिखाया? कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, बस आपको बताया कि मैनेजर्स कमीशन जो आपका प्रॉफिट लॉस के जो आइटम्स होते हैं, अगर वो भी अभी तक इसमें माइनस है तो उसको माइनस करने के बाद ही अमाउंट को आप यहाँ पे लिखेंगे और काम ठीक से करेंगे। आप प्लीज कॉपी कीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ और अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। मुझे पांचवा भी कौन से बिल्डिंग क्वेश्चन कराना है आज, तो मुझे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देना, सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची में कसम से। लिखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5, पांचवा एग्जाम्पल। इस पर मैं तीन पार्टनर्स ले लेता हूँ, एक्स वाई एंड जेड। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट को लेवल को और बढ़ाऊंगा। इस पर कहता है कि कैपिटल यानी कि एज कैपिटल जो आप लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है 2,00,000 रुपीज, इनका भी कहता है 2,00,000 रुपीज और इनका कहता है 1,00,000 रुपीज, ठीक है ना। फिर कहता है, इसको मिटा दूं मैं तब तक आप उसको लिखे, नहीं लिखा तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो फिर आगे बढ़ो। कौन रोकने वाला हूं? आपके हाथ में तो है, आपके हाथ में ही तो हूं मैं। जब चाहो तब मुझे रोक लो, जब चाहे तब मुझे बढ़ा लो, क्या फर्क पड़ता है। ये लीजिए मैंने इसको मिटाया और मैं अब आपको यहाँ पे अगला लोन। लोन कहता है कि लोन है इनका बिजनेस में 50,000 का। ओह, यानी कि एक्स का एक लोन भी है बिजनेस में, जो अमाउंट कहता है कि 50 का एज लोन कंट्रीब्यूशन आपने किया हुआ है। और फिर कहता है आपका यहां पे ड्रॉइंग्स भी ले लेता हूं इस बार। ड्रॉइंग्स क्या जाएगा? ड्रॉइंग्स कहता है कि इनका 40,000 का ड्रॉइंग्स है, इनका ड्रॉइंग्स कहता है कि 10,000 का है और इनका ड्रॉइंग्स कहता है कि 20,000 का है। एज्यूम क्या वो फिगर है मेरे बच्चे, यानी कि पूरे साल में आपका एज कैपिटल अमाउंट इतना है, लोन आपने इतना विड्रॉ किया है, लोन आपने इतना दिया है फर्म को, एंड ड्रॉइंग्स यानी कि बिजनेस से इतने इतने पैसे निकाले हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कहता है यानी कि इनके बीच में जो एग्रीमेंट है, नंबर वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कहता है मान लो 10%। नंबर टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ कहता है मान लो 20%। तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ मान लो ये कहता है कि 5% है, कुछ भी हो सकता है, मैं फिगर दिमाग से निकाल लूं। फोर्थ लिखिए यहां पे, कहता है यहां पे आपका सैलरी टू एक्स और दूसरा वाई। एक्स को कहता है कि 34,000 की सैलरी देनी है आपने और इनको कहता है कि 26,000 का। ये एग्रीमेंट है ना, कुछ ना बजा तो हमेशा पैनो मानते हैं, पूरे साल में इतना देना है। फिफ्थ पॉइंट कहता है आपका यहां पे कि कमीशन टू हमें जेड देना है और रुपीज कहता है कि 10,000 का अमाउंट है। सिक्स पॉइंट में कहता है यहां पे, सिक्स पॉइंट में कहता है कि नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कहता है कि आपका यहां पे बिफोर प्रोवाइडिंग अबव, इनमें से कुछ भी अभी माइनस नहीं हुआ है। बिफोर प्रोवाइडिंग मतलब इनमें से कुछ भी माइनस नहीं हुआ है। वो कहता है कि रुपीज आपका 4,00,000 है, 4,00,000। और सेवेंथ में कहता है मेरे बच्चे कि प्रॉफिट रेशियो जो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बना रहा हूं, वो कहता है यहां पे कि इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, इन द रेशियो
ऑफ कैपिटल। आप परेशान ना होना, आपके लिए सब सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूं ये क्या है, आप बस लिख लो यहां पे। कहता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, मतलब कहता है कि प्रॉफिट रेशियो जो होगा वो कैपिटल के रेशियो में होगा, मतलब जितना जितना कैपिटल है उसी रेशियो में आपने प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो क्या दिख रहा है, 2 लैक्स, 2 लैक्स एंड 1 लैक्स। इसका मतलब रेशियो क्या हो गया मेरे बच्चे, लिख लो ब्रैकेट में यहाँ पे 2:2:1। कभी कभी क्या बहुत बड़े एग्जाम में देखा गया है, वो कहता है कि भैया प्रॉफिट रेशियो जो है ना वो कैपिटल का रेशियो है, मतलब जिस रेशियो में कैपिटल है वही प्रॉफिट रेशियो होगा। तो ठीक है, हाँ भैया कैपिटल क्या दिख रहा है, 2:1, तो 2:1 हो गया, सो सिंपल। अब कहता है कि प्रिपेयर, वो कहता है कि प्रिपेयर क्या, वो कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो बोलता बनाओ कि आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। मेरे बच्चे सॉल्यूशन के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लीजिए हमने यहां पे शुरू किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझे एक बात बताओ कि यहां पे जो प्रॉफिट लिखा जाता है वो कौन सा प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, जो हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज एंड कैपिटल, यही बताया था ना बच्चे। सर हां सर, एक काम करना, थोड़ा सा बड़ा बनाना पिछले के मुकाबले और लिखो वर्किंग नोट्स नंबर 1। आपको जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, जरा बताओ वो कितना बता रहा है, ये देखो आप प्रॉफिट कितना गिवन है, 4 लैक्स का अमाउंट लिख लिया हमने। क्या 4 लैक्स में कोई ऐसा चीज है जो अभी तक माइनस नहीं हुआ और वो कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैसा कोई नाम दिख रहा है, मैं बच्चे करता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो यहीं पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। ओहो, एक मिनट, पार्टनर ने जो लोन दिया है किसने, एक्स ने, इस लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, मेरे बच्चे अभी अभी समझाया था कि पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। किसी भी तरीके का लोन, चाहे बैंक से लिया चाहे पार्टनर से लिया, कुछ भी लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो यहां जाता है, वो यहां नहीं जाता। तो मेरे बच्चों पता मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे वर्किंग नोट्स में इसमें से माइनस कर देना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ये क्यों नीचे में माइनस कर रहा हूं, क्योंकि ये नाम यहां पर नहीं आएगा, वो प्रॉफिट लॉस में जाता है। कितना जी, लोन यहां देखो 50,000 का है और इस 50,000 पे लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20%। ये सब एज्यूम क्या फिगर है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका अमाउंट कितना हो गया, 10,000, मुझे इसमें से 10,000 माइनस करना होगा, फिर 3,90,000, ये वो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो कि टू बी ट्रांसफर टू कहां, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो ये 3,90,000 का अमाउंट आप यहां पे रिकॉर्ड कीजिए, 390 का अमाउंट। अब आओ ना, अब तो काम सिंपल हो चुका है, हमें यही सब सावधानी मेंटेन करना होता है। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, दोनों यहां पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया जाएगा, तीनों को, एक्स का इंटरेस्ट एक्स के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, वाई का जो इंटरेस्ट है वो वाई के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और जेड का इंटरेस्ट जेड के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, है ना बच्चों। तो 2 लैक्स का 10% 20,000, 2 लैक्स का 10% आपका अगेन 20,000, और 10 लैक्स का 10% यानी कि 10,000, मल्ले का 10% यानी कि 10,000, ये 50,000 का अमाउंट आ गया। साथ साथ लिखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी माइनस हो चुका है, यहां नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये हम पार्टनर से लेते हैं, यानी कि ये फर्म के प्रॉफिट को बढ़ाएगा, ये देना थोड़ी ही हमें लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर फर्म से आप लोगों ने पैसा कुछ विड्रॉ किया है तो उस अमाउंट पे हम क्या करेंगे, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कौन ड्रॉइंग्स किया था जी, तीनों का है, तो एक्सेज कैपिटल से अमाउंट माइनस करके फर्म के पास एड किया जाएगा, वाइज कैपिटल अकाउंट, जो भी हमें पार्टनर से लेना है हम उनके अकाउंट से माइनस कर लेंगे।
और फर्म के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो 40,000 का 5% यानी कि 2,000, फिर 10,000 का 5% यानी कि 500, और 20,000 का 5% यानी कि 1,000। ये अमाउंट कितना हो गया? 3,500। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। सैलरी हमें देना है एक सनवाई को, आओ ना यहां लिखो मेरे साथ, टू सैलरी। आपके सर्विसेज को यूज करने के बदले में जो भी कुछ दिया जाएगा वो सब यहां पे आएगा, या फिर कैपिटल को यूज करने के बदले में। एक्स की सैलरी कहता है कि 34,000 और वाई की सैलरी 26,000, तो टोटल कम्स टू 60,000। कमीशन टू जेड, आप यहां लिखिए टू कमीशन, और ये भी हमने किसको दिया? जेड कैपिटल अकाउंट। ओनर है, दिया जाएगा यहीं पे। अगर आपका मैनेजर होता तो यहां नहीं, फिर उसको माइनस करके यहां लिखता मैं। कितना? 10,000 का अमाउंट, ये भी आ गया। और फिर कहता है भैया ये तो हमारा हो गया, प्रॉफिट रेशियो क्या है? 2:1, यानी कि 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट, या कह दो बैलेंस प्रॉफिट ज्यादा अच्छा है, तो बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ठीक है ना। और ये आपका क्या नाम है जी, एक्स का प्रॉफिट एक्स के कैपिटल अकाउंट में, वाई का प्रॉफिट वाई के कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा, और जेड का प्रॉफिट जेड के कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो ये अमाउंट जरा बताओ कितना हो जाएगा जी? पहले कितना बच गया? तो 3,90,000 का प्रॉफिट था यहाँ पे, उसके बाद 3,500 रुपीज का और हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि हमने इंटरेस्ट चार्ज किया पार्टनर से, और इसमें से 50,000 का अमाउंट, फिर 60,000 का अमाउंट, और फिर आपका 10,000 का अमाउंट, ये आ गया 2,73,500। इस 275 को 2:1 में डिवाइड कीजिए, मतलब डिवाइड बाय 5 हो गया, 2+2+1 और इनटू आपका 2, तो ये आ गया मेरे बच्चे इसके हिस्से में 1,09,400। यहां भी 1,09,400 और यहां पे आ जाएगा आपका 54,700, और इस तरीके से आपका दोनों से टैली कर गया। इट्स वेरी सिंपल, मतलब वेरी सिंपल क्या, वेरी वेरी सिंपल। एक ही बात ध्यान रखना है कि भैया जो इसमें नहीं आता उसको हम नीचे में माइनस करके फिर यहां पे लेकर आएंगे। एक सवाल कभी कभी आपके दिमाग में उठ सकता है, ऐसे चांसेस बहुत केस बहुत कम है कि आप वैसे सोचोगे, बट फिर भी मैं आपको बताऊं एक छोटा सा पॉइंट, वो क्या, कभी कभी दिमाग उठ सकता है कि क्या सर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसमें क्या ड्रॉइंग्स नहीं आएगा? जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखा तो क्या ड्रॉइंग्स नहीं आएगा? जवाब है नहीं आएगा। फिर तो कैपिटल को भी लिखो आप। अरे हमें कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देना है, ड्रॉइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज करना वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको ड्रॉइंग्स का मतलब बता रहा हूं। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है कि जो कैपिटल आपका था, जैसे मान लो अब यहां पे 2 लाख का हो गया, ऐसे समझा रहा हूं, 2 लाख रुपए आपका कैपिटल पहले से था, फिर आप में कितना ऐड हो गया? 20,000। फिर कितना एक्स को मिला? और 34,000। फिर कितना आपको मिला जी? कुछ नहीं, यहां पे कितना? 1,09,400, और आप में से कितना माइनस कर लिया गया? 2,000। ये जो नेट अमाउंट आपका बच गया, ये जो अमाउंट बच गया, इसमें से आपने क्या किया? 40,000 विड्रॉ कर लिया। तो ये तो फिर कैपिटल लास्ट में कम हो जाएगा मेरे बच्चे, मैं दिखाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लेकिन ड्रॉइंग्स तो थोड़े यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। यहां तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि आपने क्या करना है, जो चीजें अब यहां पे आपको मिल रही हैं, या फिर जो आपने पैसा विड्रॉ किया उसमें जो चार्ज किया जा रहा है, वो एक्सपेंस इनकम रिकॉर्ड किए जाएंगे, ड्रॉइंग्स नहीं। इसका भी रीजन और डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ड्रॉइंग्स क्या कर रहा है कि ड्रॉइंग्स का मतलब है कि जो चीजें आपको दी गई उन्हीं में से आपने पैसा निकाला, जो चीजें आपको दी गई वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया, अब इसमें से कुछ निकालोगे थोड़े प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट है। यहां तो जो हमने प्रॉफिट कमाया वो कैसे कैसे डिवाइड होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा, ड्रॉइंग्स नहीं आएगा। इन शॉर्ट डिटेल डिस्कशन अभी आगे है, ठीक है ना, आप प्लीज कॉपी कर लो। तो यहां पे हमने क्या किया, आपको समझाया ये कैसे निकल के आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन अभी और चलेगा और थोड़ी सी क्लियरिटी लाने के लिए, और फिर हम क्लास को आज एक फॉर्मेट देकर एंड करेंगे और अगली क्लास में एंट्री करेंगे, जहां पे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन की बुक से भी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। अदरवाइज मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट ठीक से स्ट्रांग हो जाए। लीजिए मैं इसको हटा दूं और मैं आपको अभी यहां पे
सिक्स एग्जाम्पल लिखता हूं, लिखो ना एग्जाम्पल नंबर सिक्स। लिखेंगे आप एग्जाम्पल नंबर सिक्स, इसमें मैं आपको दिखाऊं यहां पे पार्टनर्स का नाम मुझे लिखना था, अच्छा अच्छा नाम इस पर लिख देता हूं, ए और बी दो ही नाम ठीक है। इनके जो कैपिटल्स है वो कहता है 7 लाख का अमाउंट और यहां कहता है कि 3 लाख का अमाउंट, ठीक है ना, 7-3। और फिर कहता है आपका यहां पे पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें बता रहा है, पार्टनरशिप डीड में, वो डीड में क्या क्या है, नंबर वन कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो मान लो कहता है एट द रेट ऑफ 20% होगा, ठीक है ना। दूसरा लिखो आप यहां पे, ये 20% का मतलब, 20% पर एनम का मतलब, बहुत सारी बातें आएंगी वो आगे का टॉपिक है, यहां पे सिंपल कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। फिर आप लिखिए यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आप लिखेंगे सैलरी टू ए ₹40,000, ठीक है ना, सैलरी टू ए 40,000। फिर कहता है नंबर थ्री, मैनेजर्स कमीशन ₹30,000। फूड कहता है कमीशन टू बी ₹25,000। पांचवा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर करना है वो कहता है कि 50,000। और सिक्स में कहता है कि प्रॉफिट रेशियो वो है आपका मान लो 3:2, कुछ भी हो सकता है। सेवेंथ में नेट प्रॉफिट आपको दे रहा है, प्रॉफिट बिफोर, ध्यान से शब्दों पे आना, बिफोर मैनेजर्स कमीशन बट आफ्टर बीज कमीशन, यानी कि कमीशन टू बी। कहता है कि प्रिपेयर, अब आपसे गेम खेल रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शॉर्ट में PNL प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनाना आपने। तो मैं सॉल्यूशन में आता हूं और आप मेरे साथ, पहले आप रजिस्टर के आधा पेज से थोड़ा सा ज्यादा अगला पेज जो आपका है वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए आपका बनेगा, मतलब आप कहीं भी बना लो आधे पेज से थोड़ा सा ज्यादा जगह यूज होगा यहां पे। तो हमने बनाया आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें यहां पे क्या लिखना है जी, नेट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, वर्किंग नोट्स नंबर वन। ध्यान देना पॉइंट एट में हमने जो प्रॉफिट आपको दिया है, नेट प्रॉफिट जो हमने, यानी कि जो क्वेश्चन आपको बता रहा है नेट प्रॉफिट, ये कहता है बिफोर, बिफोर मैनेजर्स कमीशन, मतलब इस प्रॉफिट में मैनेजर को जो आपने कमीशन देना है वो अभी माइनस नहीं हुआ है, बिफोर मतलब माइनस नहीं हुआ, लेकिन ये क्या कहता है कि आफ्टर, आफ्टर कमीशन, आफ्टर कमीशन टू बी, बी को जो, बी यानी कि जो पार्टनर को कमीशन देना है वो आपका माइनस हो चुका है। और अमाउंट कितना बता रहा है, लो मैंने तो लिखा है नहीं, आप अमाउंट लिख दो, बताओ कितना चाहते हो यहां पे, 4 लाख कर दो क्या, चलो 4,50,000 का अमाउंट लिख दो, कुछ भी है डमी फिगर है। और ये रुपीज लगाया जाता है, ये सब के आगे क्या लगता है, रुपीज लगता है। तो ये 450 का अमाउंट हमने यहां पे लिख दिया, जगह कम है, 4,50,000 ये अमाउंट है बच्चे। तो प्रॉफिट जो है बिफोर मैनेजर्स कमीशन आफ्टर बी कमीशन, मतलब कि इस 4,50,000 में बी, बी जो पार्टनर है मेरे बच्चे, पार्टनर बी जो पार्टनर है उसका कमीशन माइनस हो चुका है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पार्टनर को जो कमीशन पे करना वो तो हमें यहां खर्च के रूप में दिखाना है जी।
वो अमाउंट आप इसमें से कैसे माइनस कर सकते हो, समझो मेरी बात। जिस अमाउंट को हमें यहाँ पे अभी एक्सपेंस दिखाना है वो थोड़े यहाँ पे माइनस करना है ना। तो आपने क्या किया, बी कमीशन जो आपने माइनस किया वो गलत है। हम लोग बीज कमीशन मतलब पार्टनर का कमीशन जो आपने माइनस कर दिया है वो अभी माइनस नहीं होगा, उसको तो हम खर्च के रूप में यहां दिखाएंगे। एड बैक कर दो, कितना है 25,000, आप इस 25 को ऐड कर देंगे। समझ लो क्यों ऐड किया, क्योंकि ये टोटल 475 यहां पे आएगा और फिर 25 को यहां पे एक्सपेंस के रूप में दिखाया जाएगा, आप उसको कहीं और माइनस कर ही नहीं सकते। एग्जामिनर तरह तरह से ये सेंटेंस आपको देगा परेशान करने के लिए, कॉन्सेप्ट सीख लो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी करेंगे आपका। और हाँ, ये कहता है कि ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर मैनेजर्स कमीशन है, मैनेजर कमीशन कहता है कि बिफोर, यानी कि अभी इसमें से माइनस नहीं हुआ है, वो तो माइनस हो जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट हम यहां पर लिखते हैं उसको निकालते समय मैनेजर के कमीशन को हम पहले माइनस कर देते हैं। यानी कि अगर मैनेजर्स कमीशन अगर आपने अभी माइनस नहीं किया है तो आप उसको क्या करें, माइनस करें। कितना जी, ये आपका 30,000, तो आप इसमें से 30,000 का अमाउंट यहां से माइनस कर देंगे। कितना आ गया आपका, ये आ गया 4,45,000, समझो मेरी बात। ये वो प्रॉफिट है जो हमें इसको यहां पर रिकॉर्ड करना है, मतलब ये आपका बैलेंस, ये वो बैलेंस है जो ट्रांसफर्ड किया जाएगा, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर आप क्या करो इस 445 को यहां रिकॉर्ड करो। समझ लो, ये जो आपका मैनेजर कमीशन है 30,000, कहता है कि भैया ये 30,000 तो यहीं पे माइनस हो जाना चाहिए, तो जितना प्रॉफिट है 30 को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही तो यहां पे जाएगा, वो हमने किया। और फिर अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखना शुरू करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। कितना जी, 20%, तो 7 लाख का 20, क्या नाम है, ए का इंटरेस्ट ए के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, बी का इंटरेस्ट बी के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो आपका 20% ऑफ 7 लाख 1,40,000, और 3 लाख का 20% दिस इज 60,000, टोटल कम्स टू 2 लाख रुपीज का अमाउंट, ठीक है ना। सैलरी टू ए, यहां लिखिए टू सैलरी, और ये ए यानी कि एज कैपिटल अकाउंट, ए यानी कि एज कैपिटल अकाउंट, कितना 40,000, ये 40,000 का अमाउंट आ गया। मैनेजर्स कमीशन, ना 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 वो नहीं आएगा, वो तो हम इसमें से माइनस कर दिए, देख रहे हो ना, ये 30,000 यहां पे हमने माइनस कर दिया, वो नहीं आएगा। कमीशन टू बी, यानी कि जो कमीशन है, कमीशन किसको दे रहे हैं, बी को, वो यहां पे आएगा। समझो मेरी बात, ये जो आपका कमीशन 25,000 है उसको हमने यहां पे क्यों लिखा, ये 25 जो इस 450 में माइनस हो गया था हमने उसको ऐड कर दिया, मतलब अभी यहां तक उसको खर्च नहीं माना, अब तो दिखाऊंगा, क्योंकि हम उनके सर्विस के बदले में पे कर रहे हैं। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, टू जनरल रिजर्व, जरा बताओ रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो रहा है, 50,000 का अमाउंट, ये भी कर दिया। और फिर रेशियो जो आपका है वो कहता है 3:2, तो आपका बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसको जी, एज कैपिटल अकाउंट, और दूसरा आपका बीज कैपिटल अकाउंट। आओ जरा देखते हैं कितना निकल के आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं फटाफट करूंगा, आपके एग्जाम में अलाउड नहीं है तो आपको तो मतलब दिमाग में ही करना पड़ेगा, मुझे एग्जाम थोड़ी देना है, आपको देना है। 2 लाख माइनस हुआ, फिर 40,000 का अमाउंट एक चला गया, और दोनों मिला के 75,000, यानी कि 1,30,000। इस 1,30,000 को हम लोगों ने क्या करना है, वो आपका 3:2 मतलब 5 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 5 इनटू आपका 3, ये आ गया 78,000। और आपका यहाँ पे दूसरे वाले में कितना आ गया जी, 52,000, और इस तरीके से काम कंप्लीट हो गया, वेरी सिंपल। सच्ची बताओ, सच्ची क्या बहुत टफ लग रहा है, नहीं सर। क्या थोड़ा सा लग रहा है, नहीं सर। क्या सिंपल लग रहा है, नहीं सर। बहुत सिंपल लग रहा है सर, बहुत सिंपल लग रहा है, कसम से बहुत सिंपल लग रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है।
आपने सही बोला मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है, बस क्लास को मैं एंड करता हूँ, एक फॉर्मेट आपको देके खत्म करता हूँ आज की कहानी। आप लिखिए मेरे साथ, नया पेज ले लो, नया पेज बिल्कुल, और उस पेज पे आप लिखेंगे, पेज पे लिखेंगे आप फॉर्मेट ऑफ, अब मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूं किसका जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी, हम लोग चीजों को सजाना शुरू करेंगे, अल्टीमेटली एग्जाम में कैसे लिखना है, लेकिन अभी काम हमारा कुछ अलग है, अभी कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आप लिखिए यहां पे, पहले तो बाय आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्चुअली यहां क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो बच्चे, ये मत बनाना आप, तो लास्ट में जो बचता है ना वो कहते हैं हम ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें क्या बोला, टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, तो इसमें क्या बोलेंगे, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो आपका यहां चला जाएगा, ठीक है ना। सर नेट प्रॉफिट लिख दिया तो भी ठीक है, बट जनरली आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उस अकाउंट से बैलेंस आ रहा है। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या क्या दिया, तो अब लिखना शुरू करो जो भी आपका एग्रीमेंट है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो दो पार्टनर्स हैं ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट में चला गया, ए का इंटरेस्ट, बी के अकाउंट में बी इज कैपिटल अकाउंट, है ना, जो भी पार्टनर्स होंगे, मान लेता हूं ए और बी है, तो वो यहां चला गया। फिर उसके बाद क्या किया जी हमने, अगर पार्टनर्स को हमें कोई सैलरी देना है, ध्यान रहे सिर्फ पार्टनर्स को, तो ए का ए के कैपिटल में, बी का बी के कैपिटल में, जो भी पार्टनर्स को होगा, अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं देना तो सैलरी नहीं देना तो उसका नाम नहीं लिखेंगे यहां पे। अगर कमीशन की बात करता है तो टू कमीशन अकाउंट, ठीक है ना, अगर ए का कमीशन है तो ए के कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा, बी का कमीशन तो बी के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी बातें आ सकती हैं। उसी तरीके से आपका मान लो कुछ रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, तो जनरल रिजर्व, ये हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ये नाम बैलेंस शीट में चला जाता है, आपने 11 क्लास में भी देखा होगा। हमें अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया पार्टनर से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां चला जाएगा, है ना, और ये चार्ज भी कहां से करते हैं, उनके कैपिटल से, उनके कैपिटल से तो माइनस करेंगे, तो जिसने भी ड्रॉइंग्स किया होगा उनके कैपिटल से उतना अमाउंट इंटरेस्ट का माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स नहीं, ड्रॉइंग्स तो सीधे कैपिटल से माइनस होगा, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है, और लास्ट में जो बैलेंस बच गया, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स को, ए का ए में और बी का बी में, ठीक है ना, प्रॉफिट आया तो यहां, लॉस तो वहां, देखेंगे भी बहुत सारी बातें आएंगी, और ये कौन से रेशियो में, इन देयर प्रॉफिट रेशियो, ये प्रॉफिट रेशियो में हम क्या करेंगे, काम करेंगे, और ये काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया मेरे बच्चे, और यही तरीका हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और भी बहुत सारी बातें आ सकती हैं, रिजर्व निकालने में कई सारे केसे जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने में केसे जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में केस आएगा, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं क्लास जितनी आगे बढ़ेगी उतना इंटरेस्टिंग बनते जाएगा, टफ नहीं, आपके लिए कुछ भी टफ नहीं होता। तो आज पहले जब क्लास एंड होगी और आप जैसे ही क्लास को बंद करके आप घर रूम से बाहर निकलेंगे, तो मम्मी पापा को पहले बोलना कि पापा मम्मी मेरे सर ने बोला है कि धीरे धीरे मैं अतुल्य अमूल्य हीरा बनते जा रहा हूं, मुझे घर से बाहर मत निकलने दो, संभाल के रखो किसी अलमीरा में चाहे तिजोरी में, और कहीं किसी के हाथ ना लग जाऊं, उनको कह देना और उनको बोलना कि पापा मम्मी मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं जैसे जैसे बड़ा होऊंगा अच्छे दोस्तों के साथ रहूंगा, अच्छी आदतों को पकड़ूंगा, गलत काम गलत दोस्त को छोड़ूंगा और सपने बड़ा देखूंगा, उनको कह देना, ताकि जो हीरा आज आप उनको कह रहे हो कि मैं बनने वाला हूं फ्यूचर में, वो सच्ची में बन के आपको दिखाना है, अच्छा लगेगा आपको भी, आपके पापा मम्मी को भी और मुझे भी। तो बच्चे आज की क्लास यहीं रोकते हैं, अगली क्लास का जो कॉन्सेप्ट होगा, टॉपिक होगा कि आज तो पार्टनरशिप डीड था, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे हम अभी, हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है। इसके बाद हमें एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी देखना जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, एप्रोप्रिएशन बैलेंस, बहुत सारी बातें करनी है, मतलब आगे बहुत मजे आने वाले हैं,
आज बस इतना ही, अभी मेरी बुक के किसी भी क्वेश्चन को टच नहीं करना है, जब मैं बोलूंगा तभी आपको बुक टच करना, अदरवाइज कभी नहीं, जब बोलूंगा तब। आप सबको मेरे बच्चे बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगली क्लास में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA CMA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्ट्रोस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्ट्रोस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। दिस इज कोमल मिश्रा ऑफ क्लास 11। हेलो, माय नेम इज अंशिका एंड आई एम डूइंग CA इंटरमीडिएट। आई एम फ्रॉम बिहार, स्टूडेंट ऑफ CUC सिंस क्लास 11 एंड नाउ इन कांटेक्ट। आई हैव परचेस्ड माय CMA इंटरमीडिएट फ्रॉम CUC एजुकेशन। हाय एवरीबॉडी, दिस इज राहुल, आई एम करंटली परसुइंग अ CMA फाइनल। मैंने YouTube पर देखी भाई दूसरे क्लास में, उनकी पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं थैंकफुल टू संतोष सर, ही इज रियली अ वेरी नाइस टीचर। अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूं, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे। संतोष सर हैज क्लियर्ड ऑल माय डाउट्स एंड ही गिव्स अ वेरी थोरा आंसर टू माय कंसर्न्स। थैंक्स टू COC, माय कॉन्सेप्ट्स आर प्रीटी क्लियर, माय डाउट्स गेट क्लियर राइट अवे एंड आई एम इवन एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।